आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले जनरल बिपिन रावत ने एक चीज कही थी जिसको लेकर देश में बहुत ज्यादा डिबेट हुआ था। जनरल रावत ने कहा था कि भारत 2.5 फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है, या कहें कि भारत को 2.5 फ्रंट की वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ दिनों पहले पुंछ में भारतीय सेना के ऊपर एम्बुश लगाकर एक टेररिस्ट अटैक किया गया था, और आज छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स यानी कि DRG के ऊपर अटैक किया है। इन अटैक्स का होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप इनकी टाइमिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत में G20 को लेकर बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, और भारत सरकार की तरफ से G20 को लेकर एक बेहतर तरीके से भारत की इमेज इंटरनेशनली प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। भारत G20 का प्रयोग करते हुए इंटरनेशनली टूरिज्म को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि G20 से रिलेटेड जितने भी इवेंट रखे जा रहे हैं वो भारत के हर एक स्टेट में रखे जा रहे हैं। नॉर्मली पहले हम लोगों की तरफ से कोशिश की जाती थी कि सारी चीजें दिल्ली में हो, लेकिन भारत सरकार की तरफ से चीजों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है, और इस कोशिश में हर उस जगह पर इवेंट रखे जा रहे हैं जहां पर भारत सरकार टूरिज्म चाहती है, चाहे वो गोवा हो, ओडिशा हो, लद्दाख हो या अरुणाचल हो। लेकिन अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे G20 को लेकर भारत में इवेंट होना शुरू हुए थे, वहीं से बहुत सारी चीजें एक साथ होना शुरू हो गई हैं। पहले खालिस्तानी, फिर जम्मू और कश्मीर में अलग अलग जगहों पर टेररिस्ट अटैक्स, और अब नक्सलाइट्स। देखिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि वैली में जो टेररिज्म आता है वो पाकिस्तान के थ्रू आता है, और अलग अलग चैनल से पाकिस्तान वैली में टेररिज्म को मदद करता रहता है, जिसके चलते इस टेररिज्म को खत्म करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस समय जिस तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान की है, वहां से बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज को ड्राइव करना मुश्किल है, और किसी दूसरे देश के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करना एक कॉस्टली अफेयर है। लेकिन पाकिस्तान के पास में इतने पैसे नहीं है कि पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली ये चीज कर सके। हालांकि पाकिस्तान के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर है, उनके पास में प्रोपेगेंडा विंग है, ट्रेनिंग सेल्स हैं, मदरसे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक फेक आइडियोलॉजी है जिसको वो भारत के खिलाफ यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं पर आता है कि पाकिस्तान के पास में इतने पैसे कहां से आ रहे हैं कि वो भारत के अंदर टेररिज्म स्पॉन्सर कर सके, और इसका सीधा साधा आंसर है चाइना। पहले डोकलाम और बाद में लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद में चाइना ने ये चीज रियलाइज कर ली है कि बॉर्डर के ऊपर भारत के ऊपर वो प्रेशर नहीं बना सकते हैं, और इसी वजह से चाइना की तरफ से ये नॉन काइनेटिक एक्शंस लिए जा रहे हैं भारत के ऊपर। अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो खालिस्तानी बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिली है, और ये चीज मोरोलेस आप सभी जानते हैं कि ISI अपने अकेले के दम पर ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, उनको फंडिंग की आवश्यकता है, और ये फंडिंग मोस्ट लाइकली MSS के थ्रू चाइना ने दी है। नक्सल्स तो वैसे ही चाइना के साथ में आइडियोलॉजिकली अलाइंड है, और ये चीज हम सभी बहुत पहले से जानते हैं कि उनको चाइना से फंडिंग आती है। लेकिन यहाँ पर लार्जर क्वेश्चन ये है कि भारत एग्जैक्टली ऐसा क्या कर सकता है जिससे ये 2.5 फ्रंट वॉर भारत जीत सके। देखिए, पाकिस्तान का सॉल्यूशन हम सभी जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान स्प्लिट नहीं होगा तब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ काम करता रहेगा। लेकिन इस समय भारत के पास में चाइना के खिलाफ बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। मोस्ट लाइकली तिब्बत, सिंजियांग और ताइवान भारत के कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस कितने वायबल हैं वो भारत सरकार को ही समझना पड़ेगा। रही बात नक्सल्स की, तो नक्सल्स को डील करने के लिए भारत को एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। जब तक इनको आ रही फंडिंग बंद नहीं की जाएगी तब तक ये एट द विल अलग अलग जगहों पर अटैक्स करते रहेंगे। देखिए, इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से हम लोगों को बहुत सारी न्यूज नहीं बताई जाती है, लेकिन नक्सल्स लगातार भारत के ऊपर छोटे छोटे अटैक्स करते रहते हैं, और इसी साल कम से कम 12 बार उन लोगों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेवल के अटैक्स किए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय से भारत सरकार ने नक्सल्स के ऊपर काफी अच्छा काम किया है, लेकिन साल 2019 से अभी तक नक्सल्स के ऊपर भारत सरकार का जो फोकस था वो कम हुआ है, और इसी वजह से मैं पर्सनली राजनाथ सिंह एज अ होम मिनिस्टर ज्यादा प्रेफर करता था। वैसे आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि भारत सरकार को एयर स्ट्राइक्स करनी चाहिए और नक्सल्स के ऊपर एरियल अटैक करके उनको पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। देखिए, एरियल अटैक चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, इनफैक्ट सिंपैथी के चलते और ज्यादा रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी और एंटी इंडिया नैरेटिव और ज्यादा तेजी से बढ़ पाएगा। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन की आवश्यकता है, जहाँ पर पहले फंडिंग चोक की जाए, उसके बाद बेहतर ISR कैपेबिलिटी का प्रयोग करके उनको रेगुलरली मॉनिटर किया जाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए ज्यादा पैसे पंप इन किए जाएं, और उसके बाद इन लोगों को मजबूर किया जाए कि इंडिया के खिलाफ ये एक्शंस बंद किए जाएं और ये लोग सरेंडर करें। 2019 से पहले राजनाथ सिंह कुछ इसी तरीके से काम कर रहे थे, और जरूरी है कि वही पॉलिसीज वापस लाई जाएं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।